मैं मुंबई महानगर पालिका में 15 साल नगर सेवक के रूप में काम मैंने किया है। मैं मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर और मुंबई महानगर पालिका के महापौर से निवेदन करता हूँ, आप तुरंत ऐसे विकासों के ऊपर कार्रवाई करिए। आप उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करिए जो 10-10 साल 15-15 साल बिल्डिंग का काम शुरू होने के बाद में बिल्डर लोग बिल्डिंग पूरा नहीं करते हैं। ऐसे विकासकों के ऊपर आपने एक्शन लेने की आवश्यकता है। इस बिल्डिंग में हमारे बहुत पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी का भी यहाँ पर दो दुकान है। उनको दुकान दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन उन्होंने भी मेरे भावनाओं को दुखाने का काम किया। उस बारे में अभी टिप्पणी नहीं करूँगा, कभी समय आने पर मैं करूँगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, मेरे मतदार मुझे जानते हैं। वाह खासदार जी वाह, आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव ध्यान में रखते हुए आपकी सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई। 5 साल में विकासक ने ओसी नहीं लिया तो मनपा आयुक्त को दोषी ठहराया। उत्तर मुंबई में सैकड़ों बिल्डिंगें वैसी है जिसे ओसी नहीं मिली है, उस पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया और सिर्फ वही बिल्डिंग के लिए आप लड़ रहे हैं जिसमें आपके दोस्त की दुकान है। आपके दोस्त की बिल्डिंग की ओसी नहीं मिलने पर आपने नाराजगी व्यक्त की। कोरा केंद्र के मैदान का आरक्षण आपने बदला या नहीं बदला? बदला ना। कोरा केंद्र की इतनी सारी जगह पर व्यावसायिक बांधकाम आपके ही कार्यकाल में हुआ ना? हुआ ना। फिर बोरीवली पूर्व में आपने कितने आरक्षित मैदानों पर से अतिक्रमण हटा के वहाँ पर सुशोभीकरण किया, और आज भी बोरीवली पूर्व में ऐसे कई मैदान है जो आरक्षित है, लेकिन उसके ऊपर आपके पदाधिकारी अपनी दुकान चला रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने पैसे मांगे, यह बात आप कह रहे हैं। आपके पक्ष के नगर सेवक क्या पैसे नहीं लेते हैं क्या? बोलिए मुझे, नहीं लेते हैं क्या? पिछले 3 दशक से मुंबई महानगर पालिका में आप भागीदार हो ना, आप सत्ता में हो ना, आप 3 टर्म नगर सेवक, महापौर, 2 टर्म आमदार और 2 टर्म खासदार रह चुके हो, तो आप मुंबई महानगर पालिका उनके अधिकारी सबके बारे में नहीं जानते हो क्या? आज भी उत्तर मुंबई में मनपा में क्या चल रहा आपको पता नहीं है क्या? मेरी आपसे अपील है कि उत्तर मुंबई में मनपा प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार उजागर कीजिए, और सिर्फ आपके दोस्त की जिस बिल्डिंग में दुकान है उसके लिए नहीं, लेकिन उत्तर मुंबई की सारी वो जनता जिन्होंने आपको वोट करके आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक लेके गए हैं, दिल्ली तक पहुंचाया है, उनकी सबकी भी सोच के आप उनके भी काम कीजिए, उनकी भी ओसी लाने का काम कीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे यही अपील करूंगी कि मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। जय हिंद।